हाय, गुड इवनिंग। मैं हूँ स्मिता कुमार, और हर फ्राइडे की तरह आज हम सेहत की बात में अपने हेल्थ से रिलेटेड कुछ अच्छी बातें करेंगे, और इनमें साथ ही साथ डॉक्टर और मेडिकल एक्सपर्ट्स की भी सलाह लेने की कोशिश करेंगे। क्या आपको पता है कि जो नवंबर है, इट इज अ ब्लैडर हेल्थ मंथ, यानी हम अपने ब्लैडर का किस तरह से ध्यान रखते हैं उसके लिए है। जबकि हमारे से कई सारे लोग ऐसे हैं जो ब्लैडर हेल्थ को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं। नवंबर की जो मंथ है, ये जो हम लोग जस्ट अभी जो नवंबर मंथ हमारा क्रॉस किया, कभी कभी जैसे जैसे ब्लैडर मंथ को मैं मेंशन कर रही थी, ये कुछ हमारे फैक्ट्स को शेयर करने भी, जैसे कॉमन ब्लैडर हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या होते हैं और किस तरह से हम एक्टिव रोल लेकर के अपने हेल्थ के बारे में थोड़ा सा और जागरूक हो सकते हैं। जनरली देर आर टू कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग द ब्लैडर। एक तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, और दूसरा ओएबी, यानी ओवर एक्टिव ब्लैडर है। आपको सेंसिटिव ब्लैडर है तो आपको कुछ फूड आइटम्स खाने चाहिए, जैसे कि पेयर्स, बनानास, ग्रीन पीस, पोटैटोस, लीन प्रोटीन्स या होल ग्रेन्स। इसके बारे में हम अपने पैनलिस्ट से ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसे भी खाने के चीजें हैं, कुछ ऐसे भी खाद्य पदार्थ हैं जो हमें अवॉइड करने होते हैं टू मेंटेन अ गुड ब्लैडर हेल्थ, जो हमारे ब्लैडर हेल्थ के लिए कुछ परेशानी बढ़ा सकते हैं। खासकर ओएबी में कुछ ऐसे सर्टेन फूड्स और बेवरेजेस हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए, जैसे चॉकलेट है, अल्कोहल ड्रिंक्स हो गए, साइट्रस फ्रूट्स हो गए, टोमेटोज एंड टोमेटो बेस्ड प्रोडक्ट्स, स्पाइसी बहुत ज्यादा मसालेदार खाना, हनी। काफी आश्चर्य है, इसके लिए मैं पैनलिस्ट से जरूर कंफर्म करना चाहूंगी कि हनी को जनरली हम हमेशा सोचते हैं कि बिल्कुल ही अच्छा है पेट के लिए। रॉ अनियंस, फूड कंटेनिंग शुगर्स एंड शुगर सब्स्टिट्यूट्स। फैट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ रीसेंट रिपोर्ट्स जो नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम के हैं, उनके हिसाब से जो ओवरऑल इंसिडेंस है यूरिनरी ब्लैडर का इंडिया में, वो करीब 2.25 यानी 25% है, और ये पुरुषों में ज्यादा देखा जा रहा है, करीब 3.67% मेल्स में एंड करीब 0.83% फीमेल्स में है। एक रिसर्च के मुताबिक देखा जाए तो जो मेन है उनमें ये ब्लैडर कैंसर होने के चांसेस औरतों के तुलना में 4 गुना ज्यादा होते हैं, और ब्लैडर कैंसर ज्यादातर अधिक उम्र के लोगों में, वृद्धों में ज्यादा देखा जा रहा होता है। करीब 9 out of 10 पीपल विद दिस कैंसर आर ओवर द एज ऑफ 55, जिसमें से स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण उभर के आ रहा होता है ब्लैडर कैंसर के लिए। चलिए जानते हैं कि एक अच्छे ब्लैडर के लिए, हेल्दी ब्लैडर के लिए डाइट क्या होना चाहिए, और साथ ही साथ अपने डॉक्टर से ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि ब्लैडर से रिलेटेड जो परेशानियां हैं उनसे हम कैसे निजात पा सकते हैं। हेलो, मैं हूँ स्मिता कुमार, और आज के हमारे सेहत की बात में हमारे साथ डॉक्टर आदित्य शर्मा शामिल हैं, जो कि एक यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट और साथ ही साथ किडनी ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर आदित्य क्लिनिक लखनऊ में, और वो कई सारे ट्रीटमेंट्स ऑफर करते हैं अपने पेशेंट्स को, जैसे यूरोलॉजी कैंसर्स, लैप्रोस्कोपिक यूरोलॉजी, प्रोस्टेट डिजीजेस, स्टोन रिमूवल सर्जरीज, रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजी सर्जरी। इनके साथ ही साथ इन्हें कई सारे अवार्ड्स के साथ भी नवाजा गया है, जिसमें सबसे लेटेस्ट 2017 के बेस्ट यूरोलॉजिस्ट और ट्रांसप्लांट सर्जन इंटरनेशनल हेल्थ केयर समिट अवार्ड 2017 भी शामिल है। हमेशा की तरह हमारे साथ करिश्मा शाह भी शामिल है, जो कि एक हेल्थ और फिटनेस कोच और साथ ही साथ एक वेट लॉस एक्सपर्ट है। मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि उन्हें हाल में ही हेल्थ केयर एक लीडर्स की सम्मान से भी नवाजा गया है, जिनके बारे में करिश्मा हमें और बताएंगी। सो वेलकम बोथ ऑफ यू, डॉक्टर आदित्य एंड डॉक्टर सॉरी करिश्मा, टू आवर सेहत की बात। Thank you for inviting me on this platform. It is an honor. थैंक यू स्मिता, इट्स लवली टू बी हियर विद बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच डियर पैनलिस्ट। तो मैं डॉक्टर आदित्य आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। जो मैंने जिक्र किया ओएबी का, यानी ओवर एक्टिव ब्लैडर, तो ये होता क्या है और किस तरह का डाइट ओवर एक्टिव ब्लैडर को ठीक करने में मदद कर सकता है? जी डॉक्टर। देखिए, ओवर एक्टिव जैसा कि वर्ड अपने आप में एक्सप्लेनेटरी है, बट हम इसको मैं थोड़ा सा हिंदी भाषा में बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग जनरली उतनी मेडिकली जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें मेडिकल टर्म्स को नहीं समझ पाते हैं। जी ओवर एक्टिव ब्लैडर का मतलब जो ब्लैडर नॉर्मल से ज्यादा एक्टिव है। सो नेचुरली ब्लैडर का काम है यूरिन को स्टोर करना, और तब तक स्टोर करना जब तक कि वो पूरी तरह फिल ना हो जाए, जो कि एक एक्सपेक्टेड 300 से 500 ml कैपेसिटी हो सकती है।
और जब फेल हो जाए तो सही समय पे ब्रेन को सिग्नल देना, और जब देन इट ब्लैडर हैज टू वेट कि और पर्सन शुड बी एबल टू रीच द वॉशरूम। जी सो इसमें दो लेवल पे ब्लैडर सिग्नल करता है ब्रेन को, एक बार जब ब्लैडर फुल हो जाता है और दूसरी बार जब हम देन वी वेट एंड वी भी रीच द वॉशरूम। तो ओवर एक्टिव जी ब्लैडर के पेशेंट्स में क्या है ना, तो वो स्टोरेज फेज में सही वॉल्यूम स्टोर कर पाता है कि कॉन्ट्रेक्टिलिटी की जी वजह से वो एडेक्वेट वॉल्यूम को स्टोर करने की जगह नहीं मिल पाती ब्लैडर में। दूसरा चीज है, जिस जी समय ब्लैडर का सिग्नल ब्रेन को जाता है और उसको वेट करना चाहिए कि पर्सन वॉशरूम तक पहुंच पाए, उससे पहले ही कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, जस्ट लाइक इट कांट होल्ड एनी लॉन्गर। कई केसेस में इसकी वजह से यूरिन का लीकेज भी हो जाता है। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर उस नॉटी बच्चे की तरह है जिसको आप घर में कहते हैं कि एक जगह बैठे रहो, लेकिन वो इट इज हाइपर एक्टिव एंड इट इज जस्ट नॉट फॉलोइंग कमांड्स ऑफ द ब्रेन। अब दूसरी जी पा एस्पेक्ट और आता डॉक्टर है अगर डायरेक्ट से, या जी प्लीज। प्लीज प्लीज सर ओके, सो दो आपके प्रश्न का दूसरा पार्ट था कि डाइट से इसका क्या रिलेशन है। देखिए, डाइट हमारी पर्सनालिटी से लेकर के ओवरऑल हमारे हेल्थ को प्रभावित करता है। तो इट इज अनलाइकली कि हमारा यूरिन ब्लैडर हमारी डाइट से प्रभावित नहीं हो। सो इसमें डाइट में दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक है कि क्या नहीं, जी क्या हम अवॉइड कर सकते हैं और क्या नहीं लेना चाहिए। दूसरा एस्पेक्ट है क्या चीजें जी लेने से हमको फायदा होगा। जो नहीं लेना चाहिए और जो बॉडी के लिए टोटली अननेसेसरी है, उसमें पहला एग्जाम्पल है से शुगर्स। तो व्हाइट शुगर इज एब्सोल्यूटली अननेसेसरी थिंग फॉर बॉडी। अदर थिंग इज इरिटेंट्स जी लाइक टोबैको एंड स्मोकिंग। सो टू ऑल टोबैको प्रोडक्ट्स इन एनी फॉर्म कंज्यूम, चाहे वो गुटखा पान मसाला किसी भी फॉर्म में हो, इसके अलावा शुगर्स इवन सुपारी भी जो होते हैं नॉन टोबैको प्रोडक्ट, वो भी काफी ब्लैडर को के लिए इरिटेंट का काम करते हैं। स्मोकिंग जी ऑब्वियसली, बट काफी लोगों को इसमें कंफ्यूजन है कि न्यू लाइक वेप्स आर कमिंग जिसमें दे डोंट यूज कन्वेंशनल सिगरेट, सो दे थिंक इट इज सेफ। इट इज नॉट सेफ। अगेन बिल्कुल हुक्का इज नॉट अगेन अनदर फॉर्म ऑफ स्मोकिंग ओनली। सो ये सारे इनको हमें अवॉइड करना है। इसके अलावा चाय कॉफी का सेवन कम से कम करें। ड्राई फ्रूट्स एक जी लिमिट तक अच्छे हैं, लेकिन ओवर इंडलजेंस वो भी अपने आप में ब्लडर के लिए इरिटेंट का काम करता है। स्पाइसी फूड्स, सो हालांकि लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन एक व्यक्ति जिसको पुरुष या महिला कोई भी हो सकता है, इवन बच्चों में भी ओवर एक्टिव ब्लडर देखा जाता है। तो एक व्यक्ति को जी अपने हिसाब से, हो सकता है इसमें से कुछ फैक्टर्स उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जो पॉजिटिव हो और कुछ फैक्टर्स ना हो, तो वो हम सलाह देते हैं कि एक फूड डायरी बनाएं और ऑब्जर्व करें क्या चीजों से उनकी प्रॉब्लम बढ़ती है घटती है, उस हिसाब से डाइट में मॉडरेशन करें। अब क्या लेना चाहिए, उसमें पहली चीज है एंटीऑक्सीडेंट सबसे बेस्ट सोर्स है फ्रूट्स। तो बिफोर एनी सप्लीमेंट्स, जितना हम नेचुरल फॉर्म में फ्रूट्स को कंज्यूम करेंगे वो बॉडी के लिए बेस्ट है, और ग्रीन वेजिटेबल्स दे आर गुड फॉर आवर गट। सो हमारा फूड का ट्रांजिट टाइम फास्टर होता है और हमारे लिए हार्मफुल चीजें बॉडी में उतना जल्दी अब्सॉर्ब नहीं होती है। तो इन सब चीजों को के साथ में हेल्दी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिव लाइफस्टाइल एंड ए काम एंड कंपोज ब्रेन, जिसके लिए योगा एंड मेडिटेशन इज अगेन हेल्पफुल। थैंक यू। बिल्कुल और एक रीसेंट स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से जो ब्लैडर कैंसर है वो फिफ्थ मोर फ्रीक्वेंट मैलिग्नेंसी देखा गया है एंड द सेवेंथ कॉज ऑफ मॉर्टेलिटी फॉर कैंसर है, यानी 2.8% सारे कैंसर डेथ्स में, टोटल कैंसर्स में जो 2.8% डेथ्स हो रहे होते हैं वो ब्लैडर कैंसर्स की वजह से हो रहे होते हैं। ये दोनों ही सेक्सेस, मेल और फीमेल दोनों में ही देखा जा रहा होता है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है फिर भी कंपैरेटिवली पुरुषों में ज्यादा देखी जाती है। और अज्यूम किया जाता है कि जो हेल्दी डाइट हम ले रहे होते हैं उसका एक अच्छा इम्पैक्ट करता है हमारे ब्लैडर हेल्थ पे, रिड्यूस करने के लिए जो ब्लैडर कैंसर के रिस्क होते हैं, और साथ ही साथ किसी और तरह के ह्यूमन डिसऑर्डर्स को का जो रिस्क होता है उसको भी घटाने में काफी हद तक मदद करते हैं। और करिश्मा आपसे जानना चाहेंगे कि ब्लैडर कैंसर सर्वाइवर्स, स्पेशली जो सर्वाइवर्स हैं ब्लैडर कैंसर के, उन पर डाइट का क्या प्रभाव होता है, या ब्लैडर कैंसर के खतरे को कम करने के लिए खासकर वो लोग
जो जनरल हेल्दी पेशेंट्स है जिन्होंने 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 कभी जिनको कभी भी कैंसर का खतरा नहीं रहा खतरा, उन्हें भी अपने डाइट में क्या ऐसा शामिल करना चाहिए कि वो ब्लैडर कैंसर के जैसे खतरे के तरफ कभी भी ना पड़े। कैंसर अगर ब्लैडर का हो या कोई भी टाइप का कैंसर हो, द फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट हमारे बॉडी में अगर हम ऐसी टाइप की चीजें खाएंगे जिसको हमारा बॉडी टॉलरेट नहीं कर सकता है, या हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन अगर बढ़ जाएगा, तो इट इज अ मेजर कॉज ऑफ एनीथिंग कमिंग इन. इन्फ्लेमेशन इज अ कॉज फॉर ऑल काइंड ऑफ डिजीजेस एंटरिंग द बॉडी. सो वी विल ऑलवेज स्टिक टू इवन द एंटी कैंसर डाइट्स आर ऑल यू नो. इन्फ्लेमेशन हम कैसे बॉडी का कम करेंगे, इनटॉलरेंस सेंसिटिविटीज को हम कैसे कम करेंगे. हर एक व्यक्ति का सेंसिटिविटी बॉडी का बहुत अलग होता है. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कॉमन ग्रुप ऑफ यू नो आजकल बिकॉज इतनी सारी बातें होती हैं, दैट्स अ कॉमन ग्रुप ऑफ फूड प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग विच आर इन्फ्लेमेटरी इन नेचर. सो वी विल ट्राई एंड अवॉइड ऑल दोज. और वो कैसे है, जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर ने ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से समझाया है दैट यू नो अगर आपको ओवर एक्टिव ब्लैडर है या आपको कोई भी तरीके का प्रॉब्लम है जो ब्लैडर को अफेक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली यू विल अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग ड्रिंकिंग. अलॉन्ग विद दैट आई ऑल्सो वॉन्ट टू से दैट यू नो बहुत सारे लोगों को इंटॉलरेंसेज होती है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स की इंटॉलरेंसेज होती है, हाई फैटी प्रोडक्ट्स फूड की इंटॉलरेंसेज होती है, ग्लूटन की इंटॉलरेंस ही होती है. इन दिस केस व्हाट हैपेंस इज दैट अगर आपने पूरे दिन में, वैसे भी आप इतना पानी नहीं कंज्यूम करते, बिकॉज द मोस्ट कॉमन थिंग दैट वी गेट यू नो व्हेन पीपल कम टू अस इज दैट दे डोंट कंज्यूम इनफ वाटर इन अ डे. हम आगे जब बढ़ेंगे तो यू नो अलॉन्ग विद द कैंसर्स एंड एवरीथिंग देयर आर लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स ऑफ द ब्लैडर व्हिच इज हैपनिंग टू कॉमन पीपल. वी विल आल्सो डिस्कस दैट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो फर्स्टली पानी बहुत कम पीते हैं लोग, सो वाटर इनटेक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अलॉन्ग विद दैट अपने बॉडी की सेंसिटिविटी को समझिए. अगर ऐसे कोई प्रोडक्ट्स है जो आपको नहीं सूट करते, जिनको खाने के बाद आपको थोड़ा डिसकंफर्ट फील होता है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, लिटिल बिट ऑफ रैशेज एनीवेयर, उसको थोड़ा कम कीजिए अपने डे टू डे खाने के यू नो आपके डाइट में बेसिकली. फिर जैसे मैंने थोड़े प्रोडक्ट्स के नाम लिए हैं, वेजिटेबल्स फ्रूट्स, यस यू विल इंक्लूड वेजिटेबल्स फ्रूट्स डेफिनेटली. व्हाई? बिकॉज फाइबर. फाइबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ हमारा एक ओवर एक्टिव ब्लैडर है या हमें कोई भी किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, एनीथिंग विच इज यू नो एन इंटरनल प्रॉब्लम वेर इन डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो रहा है बॉडी का प्रॉपरली, हमें फाइबर इनटेक का ध्यान रखना पड़ेगा. तो जैसे डॉक्टर ने बताया कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एंटी ऑक्सीडेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, द सेम वे दोज ऑल प्रोडक्ट्स हैव हाई फाइबर इन इट. सो वी विल मेक श्योर दैट वी विल ईट गुड सीरियल्स. हम खाली ब्रेड नहीं खाएंगे, हम खाली रोटी नहीं खाएंगे, हम दूसरे अलग टाइप के सीरियल्स हमारे खाने में इंक्लूड करेंगे. वेजिटेबल्स हम कैसे इंक्लूड करेंगे? ऐसे टाइप के वेजिटेबल्स जिसमें फाइबर ज्यादा है. अगर हम किसी को बोलेंगे कि आप लौकी खाइए, तुरिया खाइए, बहुत कम परसेंटेज लोग हैं जो ये सब खाएंगे. सो ऑन द फ्लिप साइड लेट्स इंट्रोड्यूस बेटर फूड प्रोडक्ट्स, बेटर यू नो अभी विंटर यू नो वी आर इन द कोल्डर सीजन राइट नाउ. सूरन, अरबी, आलू, कंद, यू नो ऑल दीज काइंड ऑफ वेजिटेबल्स आर वेरी हाई इन फाइबर. एंड वेन यू कंज्यूम दीज काइंड ऑफ वेजिटेबल्स आर वेरी गुड फॉर योर ब्लैडर एज वेल, क्योंकि हम यूजली ये सब खाना नहीं खाते. तो एक 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 कॉमन सेंस यूज करना है कि सीजनल प्रोडक्ट्स हम खाएंगे, वेजिटेबल्स ऐसे खाएंगे जो हमें अच्छे भी लगे और हम उसको रोटेट करेंगे. तो गट की बात हुई थी, द रीजन व्हाई आई एम पुटिंग सो मच स्ट्रेस ऑन फाइबर, व्हाई आई एम पुटिंग सो मच स्ट्रेस ऑन वाटर एंड सेंसिटिविटीज इज बिकॉज आपका गट ये चीजों से अच्छा रहता है. प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स अगर हम नॉर्मली खाने में कंज्यूम करेंगे, ना ही कि हम कोई गोली ले रहे हैं उसके लिए, पर अगर हम ये सब यू नो बनानास, डेट्स, रागी, ओट्स, देर आर सो मेनी थिंग्स विच यू कैन ईट ऑन अ डे टू डे बेसिस, राजगीरा, ये सब चीजें फाइबर में बहुत हाई होती है. इनमें एक अच्छा प्रोटीन की, इनमें एक अच्छी प्रोटीन की मात्रा भी होती है. तो अगर हम ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हमारे खाने में इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो जो नॉर्मल एक रूटीन होता है कि खाली हम गेहूं की रोटी खा रहे हैं, खाली चावल खा रहे हैं, एक ही दाल हम पूरा साल घिसा रहे हैं, सो दोज थिंग्स आर नाउ द बॉडी इज यूज टू इट. We have to rotate these things, get the bacteria to get accommodated with a nice variety inside. So the gut health is very, very important when we're looking at any kind of bladder issues, any kind of, you know, internal detoxification issues. So main bolungi ki agar gut ka dhyan rakhenge, pani zyada matra mein piyenge aur fiber bhi agar incorporate karenge, so it's a very good thing, like a add-on for your activities with the bladder.
यहाँ पे एक ऑडियंस क्वेश्चन शामिल करना चाहूंगी डॉक्टर आदित्य। एक 30-year-old फीमेल है, वो कह रही है कि वो शी इज अ प्रोफेशनल और जब भी ट्रैवल के दौरान शी मोस्टली होल्ड्स हर यूरिन, और ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। पुरुष और महिला दोनों में ही देखा गया है कि कई बार हम अपने यूरिन को होल्ड करते हैं और काफी देर तक यूरिनेशन नहीं कर पाते। परिस्थिति ऐसी हो सकती है या जो भी कारण हो सकते हैं, हमारे हेल्थ पे डॉक्टर आदित्य इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कैसा कैसा रहता है, क्या रहता है, और ये क्या आगे जाके खतरनाक हो सकता है हमारे ब्लैडर हेल्थ के लिए? बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है ये और भी ज्यादा रेलिवेंट है जो आज हमारा टॉपिक है रिगार्डिंग ओवर एक्टिव ब्लैडर एंड अदर ब्लैडर हेल्थ इश्यूज। देखिए, हम अगर बॉडी के जी कोई भी ऑर्गन को स्ट्रेन करेंगे, उस पर ज्यादा प्रेशर देंगे, तो ऑब्वियसली ये बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। बट तक हर एक चीज में एक बफर जोन होता है, जैसे गाड़ी में एक रिजर्व टैंक होता है, एक सर्टेन लिमिट तक वो ऑर्गन उसको ले सकता है, बट उसके बियॉन्ड जी ऑर्गन को डैमेज भी होता है। तो जैसे कि पुरुषों और महिलाओं दोनों में ही लॉन्ग यूरिनरी होल्डिंग की वजह से ब्लैडर की प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। ब्लैडर स्ट्रेच होता जाता है और अपनी कॉन्ट्रैक्टिंग पावर उसमें कम होती जाती है। यंगर एज में ये सब फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि यंग एज में बहुत पावर थी, बट जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो हमारी मसल्स की टोन ऑलरेडी एज के साथ कम होती जाती है। तो वी सी मेनी पीपल बाई द टाइम दे रीच 50 एंड 60, तो उनका ब्लैडर अब कॉन्ट्रैक्टिंग पावर ही नहीं जनरेट कर पा रहा है एनफ टू एम्प्टी इटसेल्फ। तो अब देखिए सॉल्यूशन क्या है। पहली बात तो ऑब्वियसली गुड सैनिटेशन एंड स्पेशली महिलाओं के लिए क्लीन एंड सैनिटाइज टॉयलेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अनक्लीन जगह से फिर यूटीआई और रिलेटेड इन्फेक्शन मिलने का बहुत ज्यादा रिस्क होता है। दूसरी चीज है, देखिए अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो फिर प्रेफर करें, आई होप इट्स नॉट वेरी लॉन्ग ट्रेवल लाइक 8 to 10 hours जर्नी इन ए ट्रेन, बट इवन इफ यू आर गोइंग फॉर 1 to 2 3 hours, देन उसके पहले फ्यू आवर्स पहले से अपना लिक्विड इंटेक कम करें। अगेन, जैसे चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, इनका सेवन स्पेशली अवॉइड करें क्योंकि ये ब्लैडर इरिटेंट है। और तो इससे करेंगे तो उस समय में ब्लैडर यूरिन फॉर्मेशन कम होगा और ब्लैडर पे प्रेशर कम पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है तो अननेसरी, अगर आप अपने ब्लैडर को ट्रेन करते जाएंगे कि मैं बहुत ज्यादा पांच छह बिल्कुल घंटे में यूरिन होल्ड कर लेती हूँ, इसके लिए कोई अवार्ड नहीं मिलेगा लेकिन पनिशमेंट जरूर मिल सकती है जब हमारी एज बढ़ जाएगी तब। जी, यहाँ मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी। कई बार ये मिथ है या डिस्कशन में आता है कि जो महिलाओं की यूरिन होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो पुरुषों के मुताबिक कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, क्या ये सच है डॉक्टर आदित्य? ये वो नेचुरली ट्रेंड फिनोमिना है, बिकॉज वी नो बचपन से ही इंडिया इज अ कंट्री वेयर एक्सेस टू टॉयलेट इज अ इशू, सो जी इनफैक्ट ओवर एक्टिव ब्लैडर भी महिलाओं में ज्यादा कॉमन है पुरुषों के कंपैरिजन में। सो सारे ब्लैडर हेल्थ इशू महिलाओं में ज्यादा कॉमन है। तो जो ब्लैडर की जी होल्डिंग कैपेसिटी है, इट्स अ कंडीशनल रिफ्लक्स और रिजल्ट जो कि सालों की कंडीशनिंग के बाद महिलाओं में ज्यादा देखा जाता है। बट अगर मेरे से पूछेंगे तो फॉर एवरी टू वुमेन वन मैन इज ऑल्सो सफरिंग, इट्स दैट मच। ओके जैसे डॉक्टर आदित्य आपने यूटीआई की बात की, इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगी। यूटीआई एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम देखा जाता है वुमेन में। एक रिसर्च के मुताबिक कि अगर आप फ्रेश जूसेस स्पेशली जैसे बेरी के जूसेस हो गए या फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं जिसमें प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होता है, तो वो काफी हद तक आपके जो यूटीआई होने के रिकरेंसेस है उसको घटा सकता है। साथ ही साथ कुछ डायटरी हैबिट्स होते हैं जिसको अगर आप अपने खान पान में शामिल करते हैं तो वो भी यूटीआई रिकरेंस को फर्टाइल वुमेन में काफी हद तक कम कर सकता है और प्रिवेंशन की तरफ उनका एक कदम हो सकता है। इसमें हम आपसे जानना चाहेंगे जनरल टर्म्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है और किस तरह से पेशेंट्स खास करके डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस के थ्रू इस पे कंट्रोल पा सकते हैं। मेजर समस्या है एंड ऑफ कोर्स ये महिलाओं में बहुत ज्यादा कॉमन है एंड इनफैक्ट हर एज ग्रुप में कॉमन है, स्पेशली पोस्ट प्यूबर्टल एज के बाद में महिलाओं में काफी हद तक देखा जाता है। जी अब इसकी यूटीआई का मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ऑब्वियसली यूरिन में इन्फेक्शन हो गया है, सिम्टम्स बर्निंग हो सकती है, इसको डिस्यूरिया कहते हैं, यूरिन बार बार जाना पड़ रहा है, यूरिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लीक हो जा रहा है। कई बार यूटीआई जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है फीवर आ सकता है और किडनी में भी इन्फेक्शन जाके पाइलोनेफ्राइटिस वगैरह कंडीशन हो सकती है। तो
तो ये यूटीआई है। अब ये क्यों होता है? पहली चीज है, देखिए हमारी बॉडी में जैसे गट में देर आर एनफ बैक्टीरियाज एंड वी नीड बैक्टीरिया, वी हैव बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया विच आर गुड फॉर अस। तो फॉर एग्जाम्पल ई कोलाई हमारे पूरे गट में है, सो इट इज अ गुड बैक्टीरिया फॉर गट, बट अगर ये बैक्टीरिया क्रॉस करके यूरिनरी ट्रैक में चला जाएगा तो ये उसके लिए इन्फेक्शन बन जाएगा। तो पहली बात तो इन्फेक्शन का सोर्स के लिए हमें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज है कि अब उसके लिए पर्सनल हाइजीनिक हैबिट्स कैसी हैं, वॉशरूम साफ है नहीं है अपना भी, और पब्लिक टॉयलेट अगर यूज कर रहे हैं या ऑफिस में यूज कर रहे हैं तो उसको विशेष ध्यान रखना जरूरी है। इसके अलावा तीसरी चीज है जो यंग सेक्सुअली एक्टिव वुमेन में है, इट इज सेक्सुअल एक्टिविटी इटसेल्फ। तो सेक्सुअल एक्टिविटी भी स्पेशली हम जिसको कहते हैं हनीमून सिस्टाइटिस, तो अर्ली ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम में ये यूटीआई और यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज्यादा देखा जाता है। कई बार इससे निकलने में सालों सालों लग जाते हैं पेशेंट्स को। अब मैं शॉर्ट में रखूंगा अपनी बात में कि देखिए अब इसके लिए करना क्या है, कि देयर इज नो बेटर, यू नो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर जो कहा जाता है। तो पहली चीज है फ्लशिंग ऑफ द यूरिनरी सिस्टम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फ्लशिंग के लिए आप पानी पिए, गर्मियों में अगर आप आउटडोर एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं तो 3 लीटर वाटर मिनिमम आपको पीना चाहिए। सर्दियों में अगर आप आउटडोर एक्टिविटीज ज्यादा नहीं कर रहे हैं, स्वेटिंग नहीं कर रहे हैं बहुत एक्सेसिव, तो आपको 2 लीटर तक पानी पीना चाहिए मिनिमम। स्पेशल सिचुएशंस में कम या ज्यादा पानी के एडवाइस हम देते हैं। दूसरी चीज है अगर आप रिगरस एक्टिविटी कर रहे हैं, सो फॉर एवरी 1 आवर ऑफ स्वेटिंग यू मे नीड टू ऐड 1 to 1.5 लीटर। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, 1 घंटा कंटिन्यूस कार्डियो कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 1 से 1.5 लीटर पानी के इंटेक को ऐड करना पड़ेगा। पानी का इंटेक के अलावा जो कोल्ड ड्रिंक्स और इन चीजों को अवॉइड करें। बेस्ट चीज वो मूवीज में भी डायलॉग है कि पानी का काम पानी करता है। सो बेस्ट चीज है कि आप पानी पिए, कुछ स्पेशल वाटर नहीं चाहिए, आरओ वाटर नहीं चाहिए, साफ पानी होना चाहिए। पानी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको पी के आप बीमार पड़ जाएं। तो नॉर्मली जो आप अगर हैंडपंप का भी पानी पी रहे हैं और वो साफ है, कोई अगर आपको ट्रबल उससे नहीं हो रहा है तो आप उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। तो स्पेशलाइज इनफेक्ट एडवाइज अगेंस्ट टेकिंग आरओ वाटर विच इसमें टीडीएस वैल्यू यू नो 100 या उससे कम हो, बिकॉज हमारी बॉडी को मिनरल्स भी चाहिए। तो देर आर गुड मिनरल्स विच प्रिवेंट स्टोन फॉर्मेशन, विच प्रिवेंट यूरिनरी इन्फेक्शन। दूसरी चीज है सिट्रस फ्रूट्स। सो सिट्रस में सबसे इजी और 12 महीने अवेलेबल चीज है नींबू। रोज एक नींबू पानी पिए, उसमें कुछ एडिशनल की एक्चुअली जरूरत ही नहीं है। एडेड सॉल्ट, एडेड शुगर की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फॉर टेस्ट यू मे ऐड सम ड्रॉप्स ऑफ हनी, सो दैट विल बी बेनिफिशियल। इसके अलावा दिन में 1 से 2 फ्रूट्स का कंजम्पशन जरूर करें। और जैसे डाइट पे ऑलरेडी करिश्मा जी ने बताया है कि क्या क्या चीज लेनी चाहिए, सो वो उन चीजों पे करेंगे तो ये यूटीआई को रोकने में हेल्प मिलेगी। और लास्ट चीज आती है लाइफ स्टाइल। डाइट के अलावा सेकेंड पार्ट है आप पूरे दिन भर आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है। जी हम अगर दिन भर चेयर पे बैठे रहेंगे तो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी इज नॉट मूविंग, द ब्लड सर्कुलेशन इज स्टेगनेंट, देन बॉडी को इम्यूनिटी को उस एरिया में बूस्ट करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन नहीं बढ़ सकता है। तो जितना मॉर्निंग और इवनिंग तो आपको 1-1 घंटा अपने लिए निकालना ही निकालना है। रिगरस एक्सरसाइज, अच्छी एक्सरसाइज एज पर योर एज एंड कंफर्ट एंड यू नो मेडिकल एडवाइस मॉर्निंग में, एंड एटलीस्ट 45 मिनट्स to 1 आवर वॉकिंग आफ्टर अर्ली डिनर इन द इवनिंग। डिनर शुड एक्चुअली बी 7-8 PM बिफोर दैट। तो ये बहुत जरूरी है। और दिन भर भी हर 1.5-2 घंटे में ब्रेक्स लें। सो ये चीजें ओवरऑल हेल्प करेंगी यूपीआई के प्रिवेंशन में, और अगर आपको होता भी है तो जल्दी रिकवर होंगे। जी। और करिश्मा आपसे जानना चाहेंगे कि बैटर और किडनीज के लिए कौन से फूड आइटम्स अच्छे हैं और किस तरह का भोजन हमें अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली अगर हमें कोई बैटर रिलेटेड इश्यूज है जैसे जलन या ओएबी का इश्यूज है। तो जिन मैंने शुरुआत में चर्चा की थी हनी को लेकर के, जनरली हनी माना जाता है कि बहुत ही सूदिंग इफेक्ट आता है, लेकिन ओएबी में कहीं कहीं आप देखेंगे कि हनी को अवॉइड करने की बात की जा रही है। एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आपके हिसाब से अच्छे सजेस्टेड फूड आइटम्स क्या होने चाहिए?
I think डॉक्टर हैज यू नो एडेड फैंटास्टिक पॉइंट्स फॉर थिंग्स लाइक यू नो जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. बहुत सारी लड़कियों बहुत लड़कियां बहुत कंफ्यूज रहती हैं एंड इट्स अ वेरी 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 कॉमन थिंग. तो मैं जब स्टार्टिंग में बात कर रही थी मैं इसी बारे में बात कर रही थी. सो थैंक यू टू डॉक्टर फॉर यू नो एलैबोरेटिंग ऑन इट एंड गिविंग सो मच इन्फॉर्मेशन ऑन इट. आपका क्वेश्चन सो विथ फूड सबसे पहले तो अगर आपको कोई भी टाइप का यू नो bladder issue, it could be UTI, it could be, you know, an overactive bladder, or, you know, even if your creatinine is really high. So, ye sab cheezon mein, first of all, obviously, no alcohol at all. Because it's become such a trend. Aajkal alcohol is such a trend where, you know, every second person, every third person makes it a point ke, it's common, it's normal. Theek hai, hum ek din mein ek do drinks to pee sakte hain. तो सबसे पहले तो अल्कोहल आपको बंद करना पड़ेगा. नॉट इवन लाइक अवॉइड बट बंद करना पड़ेगा. सेकेंड चीज ये है कि जब हम चाय कॉफी पीते हैं दे आर डायूरेटिक इन नेचर. ये क्या करता है कि ये पूरा पानी बॉडी का निकाल के एक साथ एक टाइम पे इट ट्राइज टू पुशेस इट आउट ऑफ द बॉडी. तो वी विल ट्राई एंड लिमिट आर इनटेक ऑफ कैफीन. हम चाय पीते हैं कॉफी पीते हैं ग्रीन टी पीते हैं तो नॉट 4-5-6 कप्स इन अ डे. एक या दो जो नॉर्मल होना चाहिए उतना ही हम सेवन करेंगे उसका. द थर्ड थिंग विथ फूड गैप्स बिटवीन फूड्स वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे लोग इतना लंबा गैप रखते हैं खाने के बीच में दैट व्हाट हैपेंस इज दैट इधर देर इज अ एक साथ बहुत कुछ खा लेंगे एक साथ बहुत कुछ पी लेंगे या तो फिर कुछ भी नहीं करेंगे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड वी आर स्ट्रेसिंग द बॉडी लाइक दिस. Not only the bladder, not only the intestine, but we're stressing our own self like this. So first of all, you have to maintain proper gaps in the middle of your food and not stay 5-8 hours without water, without food. पहले हम क्या करेंगे? हम dehydrate करेंगे body को पूरा. फिर हम एकदम ही you know हमारा insulin level drop होगा. जब हमें याद आएगा कि हमें अभी खाना खाना है हमें you know we want to have some water. हम तब जाके सब कुछ एक साथ करेंगे. Now that's not the way that it should be logically. तो ऐसा ना करें. The fourth thing is food items such as number one, आप जब खाना खा रहे हैं घर का सिंपल खाना खाइए. वेरी सिंपल फूड जैसे हम अगर रोटी खा रहे हैं चावल खा रहे हैं दाल खा रहे हैं अलग अलग टाइप की सब्जी खा रहे हैं. देर आर लॉट्स ऑफ ट्रेडिशनल फूड आइटम्स दैट वी मेक एट होम. यू नो अगर हम गुजराती है तो हम यू नो अलग अलग टाइप के हम घर पे ढोकला बनाते हैं. अगर आप साउथ इंडियन है तो आप घर पे इडली सांभर यू नो डोसा उत्तपा ऑल योर ट्रेडिशनल फूड्स. यू नो अगर आप महाराष्ट्र है थाली पीठ तो ईट घर का बेसिक ट्रेडिशनल खाना. क्या हो रहा है that because there's easy access to Zomato, Swiggy, all these things and you know we can just order junk food so easily these days. Lockdown bhi hai, you know, pehle tha, abhi dheere dheere khul raha hai. We have seen such a massive increase in junk food, sugar items. Please sugar mat consume kijiye itna sara. हमारे चाय में जो हम दो चम्मच शुगर डालते हैं नींबू पानी में एक चम्मच शुगर डालेंगे all that is completely okay. But if you constantly consume desserts every day after dinner, if you constantly need something meetha after lunch every day, agar aap ek week mein 3-4 times burger, pizza, pasta, mughlai khana, you know, lot of non-vegetarian food, agar aap ye sab aapke routine mein aap kar rahe ho, definitely it is going to be a problem for your organs. It could be the bladder, it could be anything. So please make sure that at least 5 meals in a week, 5-6 days in a week, you are eating home food, and one day you have a cheat day or treat day, whatever it is called, and you all can eat whatever you want in one meal. That's very, very important. ये जो balance है, it's very important to manage that balance. You know, अभी जो हम जब UTI की बात कर रहे थे, gut की बात कर रहे हैं, the whole concept is of the gut bacteria to be balanced. एक level होता है good bacteria का. अगर वो अच्छा रहेगा तो एनी काइंड ऑफ बैड बैक्टीरिया इट कैन फाइट इट ऑफ. द इम्यून सिस्टम स्टे स्ट्रॉन्ग व्हेन इट्स लाइक दैट. अगर हम कॉन्स्टेंटली हमारे गट में बैड बैक्टीरिया को अगर हम फॉस्टर करेंगे. शुगर इज समथिंग दैट इंक्रीजेस कैंडिडा ऑल्सो. कैंडिडा इज अ काइंड ऑफ गट बैक्टीरिया विच इज वेरी कॉमन इन इंडियंस. सो ऑल दीज थिंग्स शुगर ब्रेड लॉट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत सारा तेल ये सारी चीजें aggravates yeast products, any product which has yeast in it. UTI is also another very big problem when people have yeast infections. Stomach may, we have a lot of clients who come to us and they come to us with yeast infections in their stomach. And at the end of the day, we find out that they have UTI ke symptoms bhi ho rahe hain, because this is a common condition with women. So,
आई वुड से ये सारी चीजें अगर आपको कंट्रोल करनी है उसके लिए घर का खाना सिंपल खाना खाना पड़ेगा. यू नो ट्रेन कीजिए अपने आप को कि इतना सारा आप बाहर का जंक ना खाए. एक्सरसाइजिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम खाना खाने वाले हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बर्न दैट एनर्जी ऑफ यू नो. आयुर्वेदा ऑल्सो टेल्स अस दैट इफ यू डोंट मूव योर बॉडी, अगर एनर्जी नहीं बॉडी में मूव होगी तो हम सारे प्रकार के जो रोग है हम उसको इन्वाइट करते हैं. इट्स अ ओपन इन्विटेशन फॉर ऑल काइंड ऑफ डिजीजेस. So I think that all these things should be kept in mind, and everybody should follow a basic balanced idea for their fitness regime and for their food. एक बस में दो तीन पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ जैसे नटशेल पर्टिकुलरली फॉर ब्लैडर हेल्थ एंड ऑल. दो बहुत आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है. दो बहुत बड़े मिसकंसेप्शंस हैं अबाउट अल्कोहल. फर्स्ट थिंग अदर इज स्वीट थिंग्स. So alcohol, there is no safe limit of alcohol. So previously, you know, it was just a marketing, how they could be able to sell more alcohol by showing movie stars having glass of alcohol in every frame of movie. At the same time, you see at their fitness, it is impossible. Absolutely. To drink that much of alcohol. Absolutely. Yes. So alcohol, if you're taking for recreational purpose, beware in mind that it is not good for health, any amount you are taking. Second thing is sugars. Sugar is the new alcohol. Absolutely. In human evolution, our race, Homo sapiens, has evolved over around 8,000 to 10,000 years now. In this evolution, sugar has been there only for 200 to 250 years. Now, when we ask people to quit white sugar, they think brown sugar is better. Yes. Then they will say jaggery is better. Jee. Then they will say honey is better. Yes. Yes, they are slightly better. They are slightly better. But if you are consuming 20, 30, yeah, but the amount of calories they bring, they are same. They may have some added nutrients with them. They may not be absorbing so fast as although honey is the most concentrated form of sugar, but it has good antioxidant properties which are helpful for our body. But if you start replacing honey in everything where you are putting sugar, that is not the alternative. You have to overall reduce artificial sweet. And I mean, sugar is artificial sweet. Yes. Intake. At the same time, if you don't have diabetes, you can consume sugars which are available naturally in fruits. So avoid a dry fruit, have a normal fruit. Normal fruit has sugar as well as fiber as well as water. You remove water and suddenly you consume a lot of dry fruit. So grape is better than kishmish. So same way, dates are better than chhara. And is tarike se diet ko dekhen aur in do cheezon ko bahut consciously consume kare. Ye bladder ke liye bhi achhi nahi hai. और ऑब्वियसली अल्कोहल भी नई स्टडीज आ रही हैं. इट इज पॉजिटिव, इट इज इफेक्टिंग ब्लैडर हेल्थ, ओवरएक्टिव ब्लैडर, आल्सो ब्लैडर कैंसर्स, दे मे बी एसोसिएटेड. वी डोंट हैव स्टडीज बिकॉज बहुत सारी मार्केट फोर्सेस हैं जो बहुत कुछ बाहर ही नहीं निकलने देते. चलते चलते सर दो ऑडियंस के क्वेश्चन और लेना चाहूंगी. एक 42 इयर्स की महिला है. ये है तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन बट उन्होंने पूछा है कि यूरिन करते समय उन्हें एक बर्निंग सेंसेशन फील होता है, जलन और दर्द महसूस होता है, इसके लिए वो क्या कर सकते हैं और किस तरह से ये कम हो सकता है. मोस्टली सम लोअर लेवल इन्फेक्शन कई बार मेंटेन्ड होता है तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है. तो पहली चीज है जो कि जिसपे हम बहुत स्ट्रेस हर बार दे रहे हैं कि पानी पिए और अच्छे से पानी पिए. दूसरी चीज है जैसे बताया सिट्रस फ्रूट्स, तो नींबू पानी पिए. ये सब बॉडी को फ्लश करने में इजी होगा. बट इसके बियॉन्ड भी अगर आपको दिक्कत रह रही है, आप अच्छे से 3-4 लीटर पानी पी रहे हैं, फ्रूट इनटेक आपका अच्छा है, उसके बाद भी हो रही है, देन यू नीड अ कंसल्टेशन विद यूरोलॉजिस्ट. आई वुड सजेस्ट कि फिर आप डॉक्टर से जाके मिलें. और सरप्राइजिंगली एक कॉलेज गोइंग यंगस्टर ऑडियंस है हमारे, उनका भी ये कमेंट आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि वो लगातार उन्हें कुछ ना कुछ यूरिन इन्फेक्शंस लगे रहते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, ब्लैडर उनका काफी ओवर एक्टिव है, वो ज्यादा देर तक यूरिन होल्ड भी नहीं कर पाते. इस तरह में
दवाइयों के साथ साथ क्या ऐसे घरेलू नुस्खे हैं या क्या चीजें हैं जो करने से वो इस पे कंट्रोल पा सकते हैं अपार्ट फ्रॉम लाइफस्टाइल एंड डाइट? तो इसमें देखिए ऐसा है कि ये हमेशा रेमेडीज सिंपल होनी चाहिए। जितना कॉम्प्लिकेटेड आंसर पेशेंट्स अक्सर ये पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या करें, दे एक्सपेक्ट ए मैजिक प्रोडक्ट, बिल्कुल मैजिक पिल एंड सडनली एवरीथिंग इज सॉर्टेड। ये पूरे डिस्कशन का सार इस क्वेश्चन के जवाब में आ जाएगा। रोज एक्सरसाइज करें, फिजिकली एक्टिव रहें, पर्सनल हाइजीन ठीक से मेंटेन करें, हाइड्रेटेड रहें और लाइफस्टाइल अपना अच्छा मेंटेन रखें, फिजिकली एक्टिव रहें। इसमें सारे सॉल्यूशंस हैं और ये बिल्कुल, बहुत सिंपल है, इजी। जनरली हम हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढ रहे होते हैं, बट कई बार ये जो हमारे सवालों के जवाब हैं वो हमारे खुद नहीं छुपे होते, हमारे खुद के लाइफस्टाइल, डाइटरी चेंजेस और साथ ही साथ जो हमारा माइंड है, जैसे शुगर, जैसे बताया डॉक्टर आदित्य ने बिल्कुल सही कि इट्स द नेक्स्ट अल्कोहल। कई बार हम देखते हैं कि हम शुगर से एडिक्टिव होते जाते हैं, हमें कुछ ना कुछ मीठा खाने की हमेशा ये रहती है टेंडेंसी आफ्टर एवरी मील, बट ये जो हमारी टेंडेंसीज हैं उन पे हमें खुद ही कंट्रोल करना पड़ेगा। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो या ओएबी हो, कुछ भी ऐसे बीमारियां जो हमारे ब्लैडर हेल्थ से रिलेटेड है, वो काफी हद तक कंट्रोल की जा सकती हैं एक अच्छे लाइफस्टाइल के साथ और साथ ही साथ अच्छे डाइट के साथ। थैंक यू सो मच डॉक्टर आदित्य शर्मा एंड करिश्मा फॉर योर वैल्यूबल टाइम। मैं आशा करती हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने जो भी सवाल पूछे उनके आपके जवाबों से उन्हें काफी मदद मिली होगी, जो उपाय आपने बताया बेटर हेल्थ को मेंटेन करने के लिए उनसे सभी को फायदा होगा। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड टू मेडी सर्कल। थैंक यू सो मच, थैंक यू बोथ ऑफ अस फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू थैंक यू। सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी।